स्वाति बाराशर और स्वाति की पावन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं बड़ा पाव। मुंबई की शान है जो कि बड़ा पाव, तो वही बड़ा पाव बनाने वाले हैं हम। तो उसके लिए मैंने ये पाव लिए हैं इस तरीके से, ये देखिए। और आप ये चाहें तो छोटे वाले भी ले सकते हैं इस तरीके से। और ये जो है, हम सबसे पहले जो बड़ा पाव की जो शान है और जान है वो है चटनी, क्योंकि बिना चटनी के ये पाव जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, और मुंबई जैसा स्वाद आएगा ही नहीं। तो ये जो चटनी है, पहले हम इस चटनी को बताते हैं आपको कि चटनी कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 10-12 लाल मिर्च ली हैं, खड़ी सूखी। और ये जो है नारियल है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी के जार में, ये देखिए। और ताज़ा नारियल था सूखा, उसको मैंने काट लिया और उसमें जार में घुमा दिया है। और ये मूंगफली दाने हैं थोड़े से, और लहसुन है 10-12 कली, और ये कश्मीरी मिर्च है थोड़ा सा चटनी में कलर लाने के लिए, और ये है 2 चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच नमक लिया है। तो इसे हम 1 छोटा चम्मच तेल डाल के कढ़ाई में और सोटे करेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और 1 बिल्कुल छोटा चम्मच तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, 1 छोटा चम्मच तेल बस। तो सबसे पहले तेल हमारा गर्म हो गया, और सबसे पहले हमको ये लहसुन को डालना है इसमें। कलर चेंज नहीं करना है, और आपको मुंबई का फेमस बड़ा खाना है तो उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, लाइक किए बिना आगे मत बढ़िए। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है, और अब हम ये लाल मिर्च डाल देंगे। ज़्यादा हमको नहीं भूजना है, बस ये थोड़ी सी हमें, मतलब इसका जो कलर है ये चेंज नहीं करना है, 1-2 मिनट भूजना है बस, 2 मिनट लो फ्लेम में, सिर्फ 2 मिनट। तो मूंगफली तो हमारी भुंजी हुई थी, और ये छिलका भी निकला हुआ है, मूंगफली को हम लास्ट में डाल देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और नारियल को इसको निकाल देते हैं, उसके बाद हम नारियल को करेंगे। तो ये नारियल है, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे, और गैस की फ्लेम जो है हमारी ये बंद कर दी थी हमने, थोड़ी सी चला देते हैं, लो फ्लेम में ही भूनना है इसे भी हमें। और इसमें हमने तेल वेल नहीं डाला है कुछ भी, बस उसी कढ़ाई में हमको लास्ट में इसको भूज लेना है, ड्राई रोस्ट करना है बस इसे। तो ये भी हमारा भुंज गया है, 1 मिनट हो चुका, और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, कलर चेंज हो गया इसका। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, तो पहले जब तक हम इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और अब जो है इसको एक बार और पीसना है हमको। ये जो नारियल का बूरा था ये भी हम डाल देते हैं। तो इसमें हम 2 छोटे चम्मच नमक डाल दिया हमने, और ये जो कश्मीरी मिर्च है ये डाल दी। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है, और इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है चटनी को, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारी बन गई है। और अब हम मैं आपको बताऊँगी जो आलू का मसाला हम तैयार करेंगे उसके लिए। तो ये 1/2 किलो मैंने आलू लिया है, और ये उबाल लिया है और इसे छील लिया है, क्योंकि ये नया आलू है तो कुछ छिलके जो होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं, चिपके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये देखिए 1/2 किलो आलू था, इसको मैंने उबाल के छील लिया। और ये जो है इसका मसाला है, ये ज़रूर डालना है इसमें, क्योंकि जो हम आलू का मसाला तैयार करेंगे उसमें हमें ये मिर्च, 4 मैंने मिर्च ली हैं, अच्छा चटपटा सा मसाला तैयार करना है। और ये अदरक है, 4 टुकड़े अदरक हैं जो मैंने धो के छील लिया है इसको, और ये 5-6 कली लहसुन की है। तो इसे हम तीनों चीज़ों को थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा पीस लेते हैं।
तो ये देखिए अदरक लहसुन और मिर्ची का हमने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। और ये कुछ पत्तियां मैंने मीठी नीम की ली हैं और आलू को जो है हम मैश कर लेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ये ज़रूर डालिए आप, ये इसकी सीक्रेट रेसिपी है बिल्कुल। बड़ा पाव जो मसाला होता है आलू का, बटाटा बड़ा जो हम बनाते हैं, वहाँ की भाषा में बटाटा बड़ा बोला जाता है इसको, अपन यहाँ पर आलू बड़ा बोलते हैं। और इसे जो तो इसमें ज़रूर डालिए ये, तभी ये अच्छा टेस्टी बने। आलू को मैंने मैश कर लिया है और अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे, बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच ये मिर्च, और 1 छोटा चम्मच नमक, आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिए नमक, और हींग 1/4 टीस्पून हींग। इसको हम मिला लेंगे अच्छे से और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर तैयार करेंगे इसका। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिलाते जाइए। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में, तो उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरी जो डेली रेसिपी आप उसमें देख सकते हैं। और पानी डालेंगे तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप से हमको चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए ये देखिए, और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको ढक के रख देते हैं, जब तक हम आलू का मसाला तैयार करेंगे 10 मिनट ये सेट हो जाएगा। और तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है इसमें, तो 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और 1/4 टीस्पून जो है ये राई डाल देते हैं। राई हमारी चटकने लगी है और अब हम जो है मीठी नीम डाल देते हैं और ये जो पेस्ट हमने बनाया था इसको डाल देते हैं। इसको हमें अच्छे से भूनना है और फ्लेम हमारी मीडियम है। तो देखिए 2 मिनट हो गए हमको भूनते हुए इसे और इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल इन्हेंस होकर उठता है। आप देखेंगे 1/2 चम्मच जो है हम इसमें हल्दी डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जो है हम धनिया पाउडर डाल देंगे। अब हम ये आलू डाल देते हैं इसमें। आलू को मैश करते हुए ऐसे दबाते हुए ऐसे चला लेंगे, अच्छे से भूनना है इसे हमें, कम से कम 3-4 मिनट 4-5 मिनट भूनना है इसे। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, तो 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला और हम हरा धनिया डाल देते हैं। और 4 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए और इसे मिला देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसे हम मिला देते हैं अच्छे से, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा लेके राउंड शेप इसका ऐसे गोले गोले इस तरीके से बनाना है हमको।
ये इस तरीके से सारे एक साथ बना के रख लीजिए, क्योंकि फिर एक हाथ से अपन बनाएंगे, फिर दूसरे हाथ में फिर बेसन का हाथ करेंगे, उससे फिर दोनों हाथ अपने हाथ भी ख़राब हो जाता है और आलू में भी फिर बेसन चिपकता है, बार बार छूते हैं हम, तो एक साथ बना के गोले रख लीजिए। तो ये देखिए, ये बैटर जो मैंने रखा था अच्छा हो गया, ये भी 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए। और अब जो हमने ये राउंड शेप बनाए हैं बटाटा बड़ा के लिए, तो ये देखिए इसको उठाएंगे और इस बेसन में डालेंगे हम। और हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और तेल भी हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा डाल के देखते हैं हम। तो तेल हमारा गर्म हो गया है और इसे हम आलू को इसकी कोटिंग पूरी ऐसे करेंगे और इसको ऐसे उठाते हुए और ये बाकी का जो मिक्सचर है ऐसे निकालते हुए और इसमें हम तेल में से ऐसे डालेंगे। फ्लेम जो है हमारी मीडियम है, पहले मैंने हाई फ्लेम किया था, गैस तेल हमारा गर्म हो गया और मीडियम फ्लेम कर दी है हमने। तो ये देखिए इसे पलटते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन सेकना है हमको। तो देखिए ये हमारा अच्छे से सिक गया है, इस तरीके से हमें सारे तलना है। अब सिक चुका है, निकाल लेते हैं सारे। मिर्च भी इसके साथ देते हैं, तो आप ये हरी मिर्च को तलेंगे हम। हरी मिर्च में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, इसमें चीरा ज़रूर लगाइए, नहीं तो ये फूट के आँख में मुंह में आ सकता है, जलने का डर रहता है। तो इसमें सब में हमने चीरा लगा लिया है, चीरा ज़रूर लगाइए आप। और अब हम इसे तल लेंगे हल्का सा, कलर चेंज हो जाए बस। देखिए वाइट वाइट से इसमें आ गए हैं ये स्पॉट, और ये सिक गई है हमारी मिर्च, इसे निकाल लेते हैं। तो हम तैयार करेंगे इसको, ये देखिए पाव है, इसे हमने इसे बीच से काट लिया है इस तरीके से, बीच से बिल्कुल काट लीजिए। और ये जो पीछे का हिस्सा है थोड़ा छोड़ दीजिए। और इसमें सबसे पहले डालेंगे हम ये चटनी, थोड़ी थोड़ी सी चटनी डालना है, फैलाना है इसमें। और इसके बाद ये जो है बटाटा बड़ा ये रखेंगे और इसे दबा के ऐसे प्रेस कर देना है इस तरीके से, और ऊपर भी चटनी डाल दीजिए। और साथ में दीजिए हरी मिर्च, और हरी मिर्च में थोड़ा सा नमक लगाते हुए खाते जाइए, मज़ा आ जाएगा आपको। इसी तरह दूसरा तैयार करते हैं। तैयार है हमारा मुंबई का फेमस बड़ा पाव, तो खाइए, मज़े कीजिए और नया साल मनाइए। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच।